तो दोस्तों मैं वापस आ गया एक और नए गेम प्ले वीडियो के साथ। तो आज हम खेलने जा रहे हैं लास्ट आइलैंड ऑफ सर्वाइवल। तो चलो लेट्स प्ले लास्ट आइलैंड ऑफ सर्वाइवल। तो मैंने ये दो चार गेम प्ले रिकॉर्ड करे हैं। ये सबसे पहले वाली, जैसे मैंने गेम को पहली बार ओपन किया तो ये तब के गेम प्ले वीडियो हैं। ये उसका लाइट वर्जन है ओरिजिनल गेम का। अभी भी ग्राफिक्स ज़्यादा हाई पे नहीं है और मैं मुक्कों से तोड़ रहा हूँ। मेरे को ये माइनक्राफ्ट लगा, माइनक्राफ्ट में भी स्टीव ऐसे ही करता है ना, मैं भूल गया। इसके अंदर मेरे को एक्स भी दिया है, इनबिल्ड एक्स। अरे 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 टूट जा भाई, टूटा ही नहीं मेरे से। और इसका ये एनिमेशन थोड़ा स्लो है भाई, बहुत स्लो एनिमेशन है ये। अपने घर का बेस बनाना स्टार्ट करते हैं। ये पहला टुकड़ा, दूसरा, तो अभी अपना स्लीपिंग बैग भी इधर रखना पड़ेगा। लेकिन इसका अलग ही लॉजिक है, मैं इसके अंदर सो नहीं सकता ना। मैं इसका स्लीपिंग बैग यूज़ करते हैं सोने के लिए, लेकिन मैं इसके ऊपर मैं सो नहीं सकता। वाह, बस गिफ्ट देने के लिए और अपना नाम रीनेम करने के लिए। ये क्या टिप्स एंड ट्रिक्स? हाँ ठीक है, समझ गया समझ गया। अभी मैं इस गेम के अंदर पूरी लिखा पढ़ी करना भूल गया। मुझे लगा बस ये चीज़ें रखने के लिए होगा, तो मैंने बस दिखाने के लिए, गेम को दिखाने के लिए मैंने इसके अंदर लकड़ी रख दी। लेकिन ये मेरे घर का मेंटेनेंस भी करता है, ये मैं भूल गया। तो मैं अपना ऐसे ही रख दिया, वो बेस फिर बाद में डिमोलिश ही हो गया भाई। अभी वही सब कुछ इसके अंदर, वो जो मैंने शुरुआत में किया था वही दिखा ही जाते हैं। अब ये जो है मेरा दूसरा बेस है, जिसको भाई मैंने बहुत मेहनत से बनाया हुआ है। अब ये दो चार वीडियो में, बाकी यूट्यूबर्स की तरह दो चार वीडियो इसकी नहीं खींचने वाला भाई साहब, ये सब कुछ एक ही वीडियो में बता देते हैं। तो एक बंदा जो है मेरे घर पे लूट करने आता है, अमीर बंदा है भाई, उसके पास क्या बोलते हो बाइक की स्किन है, ठीक है। तो मैंने उससे बचने के लिए यहाँ पर बैरिकेड से ऊँची बिल्डिंग, टॉल बिल्डिंग्स लगाई हुई है, ताकि वो मेरे घर में अभी आ न सके। मैं घर का आपको फिलहाल सस्ता टूर दे देता हूँ। ये वेंडिंग मशीन पता नहीं इसका कैसे यूज करते हैं। और ये मैंने अभी अभी एक बैरिकेड लगाया है, ऐसे मुझे और भी बैरिकेड्स लगाने हैं भाई। तो मैं अभी आपको अपने पूरे घर का टूर दे देता हूँ। तो ये मेरा घर है, जिसको मैंने ऊपर से तो स्टोन से बनाया हुआ है, और ये नीचे जो है पूरा लोहे का बनाया हुआ है, और ये तो सीधा स्टील का ही बना दिया डोर मैंने। ये है अपने दो फर्निशेस, दरवाजे को बंद कर देते हैं। और ये कैबिनेट, ये अपना बेड जो जिसकी रेसिपी मुझे ये गार्बेज से ही मिली है, यहाँ पर स्पेयर्स मिलते हैं। ये अपना वर्क बेंच है, वो अपना रिसर्च टेबल है, और ये अपना खाने पीने का, ऐसे कभी कभार मन किया तो ऐसे यहाँ से बाहर के नज़ारे में देख सकता हूँ। और दूसरा, मेरे पास तो कोई टीममेट है नहीं, तो उसको बिठाने के लिए कोई टीममेट तो है नहीं। यहाँ पर मैंने अभी तक रेड डॉट कोई बनाया, लेकिन भाई क्या यार इसके आगे क्या हुआ मैं आपको अपनी पूरी दुख भरी दास्तान सुनाने वाला हूँ। तो फिलहाल ये पूरा टूर ही कर देता हूँ, घर का नया टूर। और ये मेरे को ऐसे ही गार्बेज से मिलता है भाई, उधर से ही मिलने हैं सारे, बहुत सारी चीज़ें। मैं बहुत ज़्यादा स्पेयर्स कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। फ्रिज भी मेरे को उधर से ही मिला है, वो रिसर्च टेबल, वो ब्लूप्रिंट वाला टेबल मैंने बनाया। ये चार चार फर्निशेस भी मैंने बनाए, युद्ध की तैयारी भाई, युद्ध की तैयारी। वो कौन सा युद्ध, क्या युद्ध, मैं बाद में बताता हूँ। अरे इसके अंदर लकड़ी नहीं है, डाल लेते थोड़ी सी लकड़ी भाई। ओके लो भाई, 400 लकड़ी कर, काफ़ी है भाई इसके अंदर, काफ़ी है। और ये खाली चलो जाने दो। हाँ तो मैं अपना ये, इसको तो मैंने ही क्राफ्ट किया पता नहीं क्यों। और ये अपना फर्नेस जहाँ पर अपन खाना पकाते हैं, और ये कैंप फायर की जगह, कभी कभार मन किया तो बस यहाँ पर आओ और ऐसी कुर्सी पे बैठ जाओ और रात में कैंप फायर जलाओ भाई। ये देखो ऐसे आराम से कैंप फायर की आग सेक सकते हैं अपन ऐसे।
खैर अभी यहाँ से निकलते हैं। ये अपने कुछ लार्ज चेस्ट, एक वेपन चेस्ट, बस यही है हमारा छोटा सा घर। और इस छोटे से घर पे बड़े बंदे रेड मारते हैं, क्या वो भी दिखाता हूँ मैं। अभी एक बंदा है, पता नहीं पिछले दो चार दिनों से ये रेड मार रहा है, और वो भी कब, रात के 12 से 1 बजे। अब एक बात बताओ, रात के 12 1 बजे बंदा क्या करेगा, कर रहा होगा, सोएगा ही ना। ये सोने की जगह मेरे घर पे रेड मार रहा है, इसकी क्या प्रॉब्लम है मेरे को पता नहीं। अमीर बंदा है भाई, तू खुद रिसोर्सेज कलेक्ट करना, मेरे घर पे क्यों रेड मार रहा है ये हर रोज़ 2-3 दिन से रेड मार रहा है। अब अगर मैं घर पे बोलूँ कि रात में मेरे बेस पर कोई अटैक करने वाला है, तो मैं बेस के प्रोटेक्शन करने के लिए रात में गेम खेलने जा रहा हूँ, तो घर वालों का कुछ ऐसा रिएक्शन होगा। तो अभी इससे बचने के लिए मुझे ट्रैप्स तो लगाने पड़ेंगे। अब रात के 12-1 बजे तो मैं गेम खेलने आ नहीं सकता, तो मेरे पास ट्रैप्स के नाम पर क्या है, ये एक ट्रैप है, वुडन स्पाइक्स है और कुछ बैरिकेड्स है। तो मैं इनको सबसे पहले तो क्राफ्ट करके लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। अब तो यहाँ पर यमराज भी आके लूट नहीं कर सकता, अब देखता हूँ कैसे घर में आके लूटेगा। अब रिजल्ट तो कल सुबह पता चलेगा। The next day. मेरा पूरा बेस तोड़ के चला गया, मैंने इतनी मेहनत से भाई इतने ट्रैप्स लगाए, एक भी ट्रैप में फंसा नहीं वो। भाई मैं अभी ये सर्वर नहीं खेलने वाला, बिल्कुल नहीं खेलना भाई, मैं रेडी नहीं मार सकता, मैं प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता। क्या घंटा मैं इधर रुक के करूँ, मैं इतनी मेहनत करूँगा ये लूट के चला जाएगा, भाई अब नहीं खेलना यार। अगर आपको मेरी ये दुख भरी दास्तान ज़रा भी अच्छी लगी यार, ज़रा भी आपको ये देख के बुरा लगा, तो वो नीचे का लाल सब्सक्राइब बटन को ज़रा, लाल भरा पड़ा है उसको लाल से काला कर दो यार। अब मिलते हैं यार अगली वीडियो में। धमाकेदार तो कुछ है ही नहीं, धमाका तो मेरे ही घर में हो गया। बाय बाय।